उत्तर प्रदेश यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन आजमगढ़ क्षेत्र के कर्मचारियों ने प्रदेश की योगी सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी प्राइवेट वाहनों को परमिट देने की योजना सहित विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो आने वाले समय में आंदोलन करने को बाध्य होंगे। रोडवेज परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट वाहनों को परमिट देने पर विचार कर रही है, जो कहीं से भी परिवहन निगम के हित में नहीं है। प्रदेश में करीब 92% अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्राइवेट वाहनों का कब्जा है, जबकि महज 8% मार्गों पर निगम की बसें दौड़ रही हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को नौकरी, कर्मचारियों के ACP, एरियर, बकाया छठा व सातवां वेतन मान सहित अन्य मांगों को सरकार विचार नहीं कर रही है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। अगर सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो आने वाले समय में निगम के कर्मचारी आंदोलन को बाध्य होंगे। परिवहन निगम को और रोडवेज को एक साथ संचालन करने के लिए, डग्गामारी कराने के लिए रोडवेज को आज आजमगढ़ क्षेत्र से 10-10 लाख रुपए रोज यह है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति निर्धारण से घाटा हो रहा है। आज जो है इस सरकार की नीति और सिद्धांतों की व्यवस्था को विरोध करने के लिए आज यहाँ आम सभा और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी सरकार से जो है कुछ कर्मचारियों का ACP लगा और कुछ कर्मचारियों का ACP नहीं लगा, जिसके और दूसरी मांग जो है मृतक आश्रित कर्मचारियों की कुछ नियुक्तियां हुई और जो है उत्तर प्रदेश सरकार आज भी रोक लगाई हुई है। आज जो है डग्गामारी जो है बहुत धड़ल्ले से हो रही है। कर्मचारियों, संविदा चालकों को और परिचालकों को नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो है नियमितीकरण के लिए है। तमाम विसूत्री मांग पत्र को लेकर के आज क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय के माध्यम से मेरा ज्ञापन प्रबंध निदेशक को सौंपा जाएगा। आज जो है एक दिवसीय धरना है, सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। यदि सरकार नहीं हेतु मानती है तो 20-8-18-19 को जो है प्रांत प्रबंध समिति की बैठक में जो है निर्णय लिया जाएगा कि अगला कार्यक्रम क्या करना है।